नमस्कार दोस्तों, एजी पार्क यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा पुलिस एग्जाम 2017 का सिलेबस। जी हाँ, आज आपसे बात की जाएगी हरियाणा पुलिस सिलेबस 2017 के बारे में। आपको पता चल जाएगा कि इस एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे और क्या मार्क रेशियो रहेगा। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है हिंदी। हिंदी में आएंगे 4 क्वेश्चन, आपसे पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन। जितना भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हो, उसमें से आपको पता होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ये पर्यायवाची वगैरह होते हैं, जो भी मतलब जैसे आपको क्वेश्चंस के बारे में पता होगा जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, उसमें से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको बहुत बिल्कुल क्रीम जो मटेरियल है वो लेके चलना है हिंदी में से। 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी हेल्प होगी 4 क्वेश्चंस से। दूसरी बात है इंग्लिश की। इंग्लिश में से भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इंग्लिश में से किस में से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस? इंग्लिश में से पूछे जा सकते हैं जैसे एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, प्रोवर्ब्स वगैरह होती है, उनमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तीसरी बात करेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर में से पूछे जाएंगे आपसे 10 क्वेश्चंस। जी हाँ, पूरे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस बारी कंप्यूटर सब्जेक्ट में से। और कंप्यूटर में से क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो होंगे फुल फॉर्म वाले, मतलब मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग कि सारे क्वेश्चंस फुल फॉर्म के होंगे, बट फुल फॉर्म वाले जरूर होंगे। जैसे सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कंप्यूटर का मटेरियल चाहिए तो एजी पार्क चैनल पे अवेलेबल है। मैंने 5 वीडियोज़ डाली हुई है कंप्यूटर की, उसमें पूरे 250 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आ चुके हैं, SSC, HSSC, CGL वगैरह इन सब एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। तो आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखें, आपकी बहुत हेल्प होगी कंप्यूटर के पोर्शन में। चौथी बात है मैथ। मैथ में से पूछ जाएंगे 8 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस आपको मैथ के तैयार करके चलने हैं। जो भी ट्रिक हो है आपका, जो भी सिलेबस मैथ का है, आपको पता होगा। तो 8 क्वेश्चंस मैथ में से पूछ जाएंगे। 5वां पॉइंट है रीजनिंग। रीजनिंग में से पूछ जाएंगे 12 क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम का रीजनिंग। रीजनिंग तो आपको पता होगा कि क्या है उसमें क्या नहीं है, तो आपको रीजनिंग इसी के अकॉर्डिंग तैयार करके चलनी है। तो 12 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग में से। फिर बात आती है हरियाणा जीके की। हरियाणा जीके में से आए हैं 25 क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। जी हाँ, 25 क्वेश्चंस आएंगे हरियाणा जीके में से। तो एक वो कहते हैं ना कि बिल्कुल घोट के पी जाना, तो वो वाली बात है। हरियाणा जीके को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 25 क्वेश्चंस बहुत बड़ी अमाउंट है एक एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो हरियाणा जीके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके चलनी है। तो अगली बात है जीके या जनरल साइंस क्वेश्चंस, जो नॉर्मल जीके होती है हमारी इंडियन लेवल पे, जो जीके होती है उसके आएंगे 33 क्वेश्चंस। तो 33 क्वेश्चंस मतलब अगर आपने ये जीके कर ली तो आप शायद पास हो सकते हो एग्ज़ाम में, आप इसी से क्लियर कर सकते हो। तो 33 क्वेश्चंस इस चीज़ में से पूछ जाएंगे। अगली बात है एनिमल एंड एग्रीकल्चर, इसके आएंगे 4 क्वेश्चंस दोस्तों। तो ये आपको पढ़ना है, एक अलग से टाइम निकाल के पढ़ना है। जैसे रीजनिंग मैथ्स आप पढ़ रहे हो, आप ज़्यादा जोर इन्हीं पे दे रहे होगे जीके वगैरह, तो एनिमल एंड एग्रीकल्चर पे भी आपको फोकस करना है। तो इस तरह से हो गए टोटल 100 क्वेश्चंस। तो 100 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और 80 मार्क्स का पेपर होगा। तो बेसिकली एक क्वेश्चन 0.80 मार्क का हुआ, 0.80। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम 2017 का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको हेल्प मिली होगी वीडियो से। अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में शेयर कर देना कमेंट में, और कोई टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है तो उसको कमेंट में डाल देना। और आप कंप्यूटर की सीरीज़ देख सकते हैं, हरियाणा जीके की सीरीज़ देख सकते हैं, करंट अफेयर्स की सीरीज़ देख सकते हैं एजुपार्क यूट्यूब चैनल पर। सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब किए भी बिना मतलब नहीं जाना है, क्योंकि जो अगली वीडियो आएगी उनकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो घंटा है वो दबाइए, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी वीडियो की। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।